स्वागत है आपका उदयपुर बात न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिया नौटिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नर्सिंग एकता वाले रैली निकाल रहे हैं, और आइए जानते हैं क्या इनकी मांग है रैली निकालने की। कितने हर लोगों ने अपने पास देख रहे, इन लोगों ने नर्सिंग के वो वाइट कोट भी पहन रखे, उसके बाद भी काफ़ी सालों से, 2 साल हो चुके हैं, इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। और जानते हैं क्या कहना है इनके इससे। नमस्कार दी, आपका स्वागत है उदयपुर बात न्यूज़ में। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है और मैं सुशीला तिवारी, मैं काम करती हूँ एज अ स्टाफ नर्स। मैम, आपका क्या मुद्दा है, आप ये रैली निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, और आपका ये वो रैली निकालने का मतलब? हाँ जी मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि 3000 पोस्ट आई थी 2021 में, उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी सरकार ने हमारी बोला था, हमने उसका भरपूर सहयोग करा, इंतज़ार करा, उनकी हर एक बात का इंतज़ार करा। अब दिन आज ऐसा आ गया है कि हमें अब फिर से रोड पर उतरना पड़ा है। मतलब हमारी हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हर वादे पे सरकार रोज़ रोज़ हमसे ये वादा कर रही है कि 100 दिन बाद हम तुम्हारा परमानेंट का करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये रूल बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए, लेकिन एक भी चीज़ अभी तक नहीं हुई है। और हम लोग अभी इस टाइम इतने आक्रोश में हैं, हम चाहते हैं कि आज कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारा फैसला आए, उसमें हमारे लिए तुरंत तत्काल में। आपने पहले कभी रैली नहीं निकाली थी, क्यों? 2 साल हो चुके हैं आपको इस, क्योंकि हमारी रैली निकाल चुके हैं, हम लोग बार बार रैली निकाल चुके हैं, बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने अच्छे से काम करवा लिया, कोविड के टाइम पे इन्होंने काम करा लिया, जब इनको जरूरत होती है तो तब तो हम लोगों से पूरा काम लेते हैं, और नई नियुक्ति भी निकाल देते हैं। प्लस जो हमारे जूनियर है उन्हें 14-15 हज़ार रुपये लगा दिया, वो भी हमारी तरह भटक रहे हैं। जूनियरों को हमसे लड़ा रखा, हम सीनियर उनसे लड़ रहे हैं। सारे नर्सिंग वाले बेचारे घर पे बैठे हैं, अधों ने नौकरी छोड़ दी, कोई कोविड में मर गया, किसी ने अपना छोटा बच्चा कहीं छोड़ रखा है। हम लोग ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, यहाँ सड़कों पे उतर रहे, परिवार छोड़ रखा, कौन देख रहा है हमें? कोई नहीं देख रहा, मरने के लिए छोड़ दिया सड़क पे हमें। कौन सी सरकार आ रही है? कैबिनेट मीटिंग पहले भी हुई थी तो उसमें आपका वो नहीं रखा गया था? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन 100 दिन 50 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं होता। हम लोग बोल के हल्ला गुल्ला करके इनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के चले जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने ये रैली कहाँ से निकाली और कहाँ तक? ये परेड ग्राउंड से निकली और सचिवालय तक जाएगी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उदयपुर बात। आपका नाम? मेरा नाम हरिकृष्ण बिजलवाण है, मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से हूँ। सर, आप ये रैली निकालने का मुद्दा क्या है आपका? हमारा यहाँ पर ये मुद्दा है कि हमारे 2621 पदों पर 2 साल से भर्ती आई हुई है, वो भर्ती लंबित पड़ी हुई है, और सरकार उस भर्ती पर जो है कैबिनेट भी कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सारे फैसले हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो है सरकार के ऊपर हावी है पूरी तरीके से। आपका क्या कहना है कि ये कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें आपकी मांग नहीं रखी गई थी? कैबिनेट में हमारी मांग रखी गई थी, और कैबिनेट में मांग रखने के बाद वो पास भी हो गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन अधिकारी उसका जियो बना के नहीं दे रहा है। अधिकारी अपनी मनमाजी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने वर्षवार कर दिया है, कैबिनेट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जो प्रॉपर फाइल बन चुकी है, लेकिन अधिकारी उसको रोक रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं काम के लिए। आपने मीटिंग में जाके बोला नहीं था या आगे सुनवाई नहीं हुई थी कि मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, क्यों हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही? मैं उसी लिए हम यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, आज 5 बजे कैबिनेट है, और हम इसीलिए सब लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर दबाव बनाइए, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाइए कि आज की कैबिनेट में हमारा जो मुद्दा दोबारा से जो है वो अनुमोदन कर दे। हमारे आपको क्या लगता है कि आज आपकी कैबिनेट मीटिंग में रखी जाएगी? आज हमारा जो है कैबिनेट में फैसला आना है, और देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय निकलता है। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो जो है इसको अनुमोदन कर दें, फाइल पूरी कंप्लीट है, फाइल में वर्षवार हो चुका है, आपको केवल अनुमोदन करना है, वो मुख्यमंत्री से हमारी अनुरोध है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये लोग रैली निकाल रहे हैं और इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की नर्सिंग वालों ने, और इनकी मीटिंग कैबिनेट मीटिंग में भी मांग रखी गई थी, उसके बाद भी इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, और 2 सालों से ऐसा हो चुका है कि इन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है और इनकी मांग पूरी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, और आज कैबिनेट मीटिंग में इनकी मांग रखी जाएगी। इनकी मांग है मुख्यमंत्री से मिलना है और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए।
क्यों इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने पूरा साथ दिया था और इतनी धूप बारिश होने के बावजूद भी ये रैली निकाल रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं मेरे कितनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी ये रैली निकाल रहे हैं, कितना वो है इन लोगों के, इन लोगों को आश्वासन ही दिया था।